मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब आते ही दोनों ही प्रमुख दलों के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आरोप प्रत्यारोप के दौरान नेताओं की भाषाएं भी अमर्यादित होने लगी है। इसी क्रम में शाहजहांपुर के पूर्व विधायक का वीडियो सामने आया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री सिंधिया को अपशब्द कहते हुए नजर आ रहे हैं। शाहजहांपुर के भोलाईकलां में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें शाहजहांपुर के पूर्व भाजपा विधायक अरुण भीमावत ने संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपशब्द कहे हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर कांग्रेस सरकार को गिराने का आरोप लगा दिया। यही नहीं, कालापीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी को भी उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए चेतावनी दे दी। कहा कि तू कितना भी घूम ले, इस विधानसभा में अब तेरी दाल गलने वाली नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं में भी जोश आया, इस सरकार को गिरना चाहिए। वही ज्योतिराज सिंधिया जो जो कांग्रेस का नेता था उस समय, उसको भगवान सद्बुद्धि दे, वो कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, इससे हमारी भावना भी बनी। ईश्वर ने हमारी बातों को सुना, जनता के आवाज को सुना, कार्यकर्ताओं की आवाज को सुना, तो दिग्विजय सिंह का भी मन कहने गई। जो प्रताड़ित था उन्होंने भी फैसला लिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं अरुण भीमावत बयान पर कुणाल चौधरी ने पलटवार करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछा कि भाजपा के पूर्व विधायक आपको अपशब्द कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आपके समर्थक क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार से उनकी इज्जत है या बेइज्जती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया बताएं। शाहजहांपुर जिले की अकोदिया की ऐतिहासिक सभा, जिसमें 50,000 से ज्यादा किसानों, गरीबों और मजदूरों ने भाग लिया, उसको देख के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मानसिक संतुलन बिगड़ चुके हैं। जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मानसिक दिवालियापन को बताता है। और स्पष्ट रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मेरा सवाल है कि एक पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के, आपको यही आपको मान सम्मान और इज्जत का सवाल जो भारतीय जनता पार्टी में जाके मिला, इस पर जवाब सिंधिया जी देने का काम करें। और जिस तरीके के शब्दों का चयन एक नेता के प्रति करा गया, मुझे लगता है दुर्भाग्य। और जब सिंधिया जी के प्रति इस प्रकार के भाव है, तो हमारे प्रति तो क्या भाव होंगे, उसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट रूप से सिंधिया जी से मेरा सवाल है, जो बयान दिया इसके ऊपर सिंधिया जी क्या कहना चाहते हैं, उनके समर्थक क्या कहना चाहते हैं, और किस प्रकार से उनकी इज्जत है या बेइज्जती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया बताएं। शाहजहांपुर से ग्रुप एडिटर दीपक सक्सेना की रिपोर्ट।